सॉस कंपनी को आप इग्नोर कर दीजिए, जब तक ये मुझे स्पॉन्सर नहीं करेंगे मैं इनको स्पॉन्सर नहीं करूंगी, मैं इनका मुंह ही दूसरी साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको पता ही ना चले कि ये कौन सी कंपनी है। वाह वाह बहुत गर्म बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी तहमीना अजीज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीना व्हाट। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जबरदस्त सा चिकन कॉर्न सूप, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो बगैर टाइम जाए किए मैं आपको बताती हूँ कि घर में आप चिकन कॉर्न सूप कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल उसके लिए सबसे पहले ये डिब्बा तो पीछे कर देंगे, यहाँ पे क्यों आ गया जी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा अच्छे एक ग्लास पानी, ठीक है जी। उसके साथ आप शामिल करके हड्डी वाला हाफ के जी चिकन और छोटा सा अदरक का आप पीस शामिल कर दीजिए और साथ में हाफ टी स्पून नमक। और अब इसको कवर कर देते हैं जब तक यखनी बन नहीं जाती और चिकन जो है वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाता। अच्छा जी, जैसे ही हमारी यखनी जो है वो पक जाएगी हम चिकन को सेपरेट कर लेंगे, यखनी को जो है वो साइड पर रख देंगे और चिकन की इस तरह से रेशा रेशा कर लेंगे इस तरह से बिल्कुल। अब बाकी जो चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो पीपल हमें कॉर्न चाहिए होंगे हाफ कप कर लीजिए बॉयल्ड। अच्छा जी, काली मिर्चें चाहिए होंगी, अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 टीस्पून कर लें, अगर इस तरह से साबुत हैं तो आप 2 टीस्पून कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइस पसंद है ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून आपको चाहिएगा कॉर्नफ्लोर, ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ आपको चाहिएगा वेनेगर, ये भी 2 टीस्पून कर लीजिए। अदद आपको चाहिएगा अंडा, इसके हमें सफ़ेदी चाहिए। और इसके साथ चाहिएगा 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। कंपनी को आप इग्नोर कर दीजिए, जब तक ये मुझे स्पॉन्सर नहीं करेंगे मैं इनको स्पॉन्सर नहीं करूँगी, मैं इनका मुंह ही दूसरी साइड पर कर देती हूँ ताकि आपको पता ही ना चले कि ये कौन सी कंपनी है। तो पीपल अब मैंने एक सिलबट्टा ले लिया है, इसमें बॉयल्ड कॉर्न्स जो हैं वो मैं शामिल करने जा रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको सिलबट्टा में कूट लेते हैं, इतनी देर तक कूटें आपके मैं आपको दिखाती हूँ कि इस फॉर्म में ये आ जाएं, ये इस फॉर्म में ये आ जाना चाहिए, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यखनी मैंने मीडियम फ्लेम में रख दी है, अब जब तक यखनी को उबाल नहीं आ जाता हम इंतज़ार करते हैं। सो पीपल यखनी को उबाल आ चुका है, अब इसमें जो चिकन था उसको शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से, ठीक है जी। क्या खुशबू आ रही है यखनी की मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए जी, अब इसमें बाकी की जो स्पाइसेस हैं मैं शामिल करने जा रही हूँ, नमक शामिल करेंगे और काली मिर्चें शामिल करेंगे। जो जो मैंने आपको क्वान्टिटी बताई है आप उसी को फॉलो करिएगा, मुझे देखो मैं भी अंदाजे डालने का पता है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा तहमीना अंदाजे से डाल रही है तो हम भी अंदाजे से डालेंगे, ठीक है जी। इसको मैंने मिक्स कर दिया, इसी के साथ अब डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर किस तरह से बनता है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है जी। आपने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला अंदाजे से कि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाइए। देखिए इसको मिक्स करें, किसी भी किस्म की गुठली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अच्छा पहले ये डाल देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने कॉर्नफ्लोर को शामिल करना है और साथ साथ आपने चम्मच को हिलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं हिलाती जा रही हूँ। अच्छा जी, कॉर्नफ्लोर आप उतना डाल सकते हैं, कम अगर आपको थिक पसंद है तो कम डालें, ज़्यादा थिक पसंद है तो आप इसको मज़ीद डाल सकते हैं। अच्छा, जब इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं, उबाल शुबाल आएँ जनाब। अब वेनेगर इसमें शामिल कर दिया है, सोया सॉस, चिली सॉस और अब अंडे की सफ़ेदी इसमें शामिल कर दी है, मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। सो पीपल जैसे ही चिकन कॉर्न सूप तैयार हो जाएगा मैं इसे डिश आउट करके आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये टेस्ट में रेस्टोरेंट वाला है या नहीं, तो मेरे साथ ही रहिए। ऑलराइट पीपल, ज़बरदस्त चिकन कॉर्न सूप बिल्कुल तैयार है, खुशबू से पूरा किचन जो है वो जगमगा रहा है और मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ कि टेस्ट में कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह बहुत गर्म बहुत मज़े का बहुत स्पाइसी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सिर्फ घर की चीज़ों से मैंने इसे बनाया है, कुकिंग आज से पहले इतनी आसान कभी नहीं थी। तो मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला पुप्पो चची नानी दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। बस इजाज़त दे दीजिए, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।